का सबक पहले स्टेप से शुरू से दोबारा पढ़ रहा हूं, आपने मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है? पहले स्टेप से शाबाश। पहले स्टेप से तलफ्फुज़ को सही करने के लिए सिर्फ अल्लाह अकबर को एक सांस में अलहदा कहेंगे, ये नोट कर लेना भाई। फिर दूसरी मरतबा दोनों को एक सांस में कहेंगे बराबर आवाज से, फिर तीसरी मरतबा दोनों को एक सांस में कहेंगे और दूसरे में आवाज को बुलंद करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोनों को एक सांस में और एक ही आवाज में बराबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तीसरा स्टेप, पहले में आवाज आहिस्ता, दूसरे में आवाज को ऊंचा करेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठंडा पानी लेके आ गए जी। दूसरे जुमले में आवाज को ऊपर से लेके आएंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ठीक है जी। आगे शहादत के कलमे पड़े हुए हैं, पहले एक मतलब पढ़ देता हूँ, फिर तवज्जो से तलफ्फुज पर तवज्जो हो, आखिर में बिल्कुल जाके आवाज थोड़ी सी आवाज ऊंची होगी, वही लहजा वही अंदाज, ठीक है? ज्यादा तवज्जो किस पर? तलफ्फुज। अशहदु अल, ये शब्द का इशारा कर रहा हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरे जुमले में आवाज को ऊपर से लेकर आए अशहदु अल, और मैंने तोड़कर भी बताया था, अब मैं इकट्ठा पढ़ूंगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी भी कई दोस्तों ने आवाज को ऊंचा कर दिया, ये हाथ के इशारे का मतलब ये है कि ताकि आवाज ऊपर जाने भी लगे तो जहन में आ कि नहीं भाई मैं हाथ इशारा नीचे लेके जा रहा हूं, आवाज भी अब इल्लल्लाह, हाथ नीचे लेके जा रहे हैं आवाज ऊपर, जितना ही दबाओगे उतना ऊपर गए, ये तो नहीं जी। समझ आई बात जी? आज का नया सबक, एक जुमला पढ़ेंगे सिर्फ सिर्फ तलफ्फुज़ को सही करने के लिए, और इसमें खास तौर पर गुन्ने पर तवज्जो देनी है, और गुन्ने की बहुत ज्यादा गलती होती है, ठीक है? आशर कल कल ना हो, अन्ना गुन्ना रह जाता है, मुमकिन है गलती अर्ज कर रहा हूं, नोट करने में सर, और यहां एक गलती होती है अन्ना लंबा कर देते, ये तो वैसे लाने चली होगी गलत, मोहम्मा मीम पर पेश आके हा है और कई हा पढ़ देते मोहम्मा, और एक और मैंने गलती सुनी अल्लाह माफ फरमाए अशहदु अन्ना मोहम्मा, अस्तगफिरुल्लाह, ये मोहम्मा, ये क्या अजीब तलफ्फुज़ है, मोहम्मा हा और फिर उसके बाद मीम पर फिर शद है, गुन्ना होंठों को बंद करके आवाज जारी रखेंगे, दाल को आगे मिलाएंगे रा, रा पर क्या है शद, ठीक है? तो शद पर क्या होगा ठहराओ, मोहम्मद रसू, अक्सर है जो होता है दरा, मोहम्मद रसू, दर कैसे रसू, वह मद्दा है, थोड़ा सा लंबा करेंगे आगे, लाम को लफ्ज अल्लाह के लाम से जब मिलाएंगे तो लाम पर क्या है शद, फिर ठहरा होगा रसूलुल्लाह, यहाँ लाम की शद रह जाती है, और दर की रा की शद, लफ्ज अल्लाह के लाम की शद, ये उमूमन गलती होती है, समझ आई बात? आखिर में आवाज को इसी तरह ऊंचा करेंगे, तलफ्फुज़ पर खास तवज्जो हो, एक एक हरफ पर
अशहादू अशहादू, हा को लंबा नहीं करना, शीन पर कल गला नहीं, दोनों गलतियां। अशहादू अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। और कीजिएगा, लफ्ज़ अल्लाह की शान पे फिर गलती हुई है, ठीक है जी, समझ आएगी बात। अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये सबक इंशाअल्लाह आइंदा फिर आगे पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह।